हाँ, मुक्ति, मुक्ति टाइटल है मेरी कहानी का। और सुन, ये बात अपने तक ही रखना, हाँ, क्योंकि तेरे अलावा और किसी को पता नहीं है कि कल मैं सुमन को उसके बर्थडे पर ये कहानी गिफ्ट करने वाला हूँ। कहानी क्यों, कोई साड़ी वगैरह क्यों नहीं? उसमें पति का प्यार ज्यादा छलकेगा। अरे, साड़ी बनती है मिल में, बेचता है दुकानदार, उसमें कहाँ पति का प्यार झलकता है। एक पति अपनी पत्नी के लिए कहानी लिखे, इससे ज्यादा रोमांटिक और क्या हो सकता है ना? पर बर्थडे गिफ्ट खाली कहानी? अरे खाली नहीं, भरी हुई है। हाँ, इमोशन से, रोमांस से, ड्रामा से। सुन सुन सुन, मैं तुझे एक प्री क्लाइमैक्स सीन सुनाता हूँ। सुनो, हीरो का हीरोइन के साथ झगड़ा हुआ है और हीरो सुसाइड करने की सोचता है। अरे तू हीरो के डायलॉग सुन, तू हिल जाएगा। प्रिय, इसको मेरी जिंदगी की आखिरी रात समझना। अरे अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत ही नहीं तो मेरे जीने का क्या फायदा? रोज रोज मरने से अच्छा है एक दिन मरना। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सुसाइड, सुसाइड, सुसाइड। कैसा लगा? अगले जन्म में मुझे औरत मत बनाइयो। औरत की जिंदगी भी कोई जिंदगी है? अम्मा, अम्मा अपना बांस को संभाल लो अम्मा, पर ये बांसुरी नहीं बचेगी। क्या बकवास कर रहा है? कैसी बांसुरी, कौन बांस? अपने सांप को संभालो अम्मा, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा, सब गड़बड़। क्यों, क्या हुआ है उन्हें? अभी कुछ हुआ नहीं अम्मा, लेकिन आज रात को हो जाएगा। जाने वाले कहीं रात को? हाँ अम्मा, सांप बहुत दूर जाने वाले है, जैसे कोई लौट के वापस नहीं आता। बकवास कर रहा है तू, क्या हुआ? हाँ माँ, हमने अपने कानों से सुना माँ, साहब बोल रहे थे कि रोज रोज मरने से एक दिन का मरना। सुसाइड, सुसाइड। बकरा, शुभ शुभ बोल। ये किचन का काम छोड़ो माँ, प्लीज साहब के पास जाओ माँ, जाओ प्लीज। हाँ जा रही, ये सब्जी। अरे ये बाजी तो फिर भी बन जाएगा माँ, लेकिन ये गृहस्थी नहीं बनेगा, प्लीज जाओ माँ, प्लीज। जाती हूँ, जाती हूँ। ये बता कि आत्महत्या करने का सबसे आसान तरीका क्या है, जिसे कम से कम तकलीफ हो और जल्दी से जल्दी जान जाए। आज की रात ही है, और फोन करके मुझे सिर्फ बताना, हाँ, और किसी को नहीं। तुझे पता है कि ये तेरे अलावा और किसी को मालूम नहीं बात, हाँ? प्लीज, ओके। किसको फोन कर रहे थे आप? नहीं नहीं, किसी का नहीं, किसी का नहीं, यूं ही रॉन्ग नंबर। अच्छा, सुनिए, आज सुबह मैं गुस्से में न जाने क्या क्या बोल गई। मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं जानती हूँ कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे नहीं चाहिए मुक्ति। नहीं नहीं, यही बात तो मुझे साबित करनी है। तू मुझे सिर्फ कल सुबह तक का टाइम दो, फिर महसूस होगी तुम्हें मेरे प्यार की कीमत। मैं तुम्हें मुक्ति देकर रहूंगा। अरे नहीं चाहिए ना मुझे मुक्ति, मुझे अभी भी महसूस हो रही है आपके प्यार की कीमत। मुझे माफ कर दीजिए ना। अरे क्या बार बार मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए कि रट लगा रखी है। मुझे कुछ काम करने दो, तुम जाओ भगवान के लिए, मुझे मुझे अकेले छोड़ दो, तुम जाओ। आप अभी भी नाराज हो, तुम यहाँ से जाओ। और तुम्हें पता है, जब रॉकी शैंपेन की बॉटल देगा ना माँ को, तो मैं 100% कहता हूँ माँ बहुत गुस्सा करने वाली है। हाँ। और वो फूल कविता, वो माँ को स्विम सूट देना चाहती है। अगर माँ को पता चल गया ना, तो वो दोनों को अपने गिफ्ट के साथ साथ बिना पासपोर्ट के अमेरिका भेज देगी। जय अलका। अरे माँ आ गई देखो, माँ, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ। अरे क्या माँ 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 मीमी आते रहते हैं। कभी अपने पिताजी को भी याद कर लिया करो, उन्हें कभी जाकर के तुमने पूछा है कैसे हैं आप पिताजी, आपका क्या हाल है, आपके दिल में क्या हो रहा है? क्यों पूछेंगे आप लोग, जिम्मेदारी तो है ना माँ की सारी। जरा ख्याल नहीं करते अपने बाप का तुम दोनों। छी, क्या बात है माँ, पिताजी की तबीयत खराब है क्या? अरे भगवान ना करे, लेकिन अगर वो भी तो तुम्हें क्या, माँ है ना सब कुछ देखने को। उनके कमरे में जा करके हाल चाल पूछने तक की फुर्सत नहीं है लाडलों को। इतने बड़े बड़े हो गए हो तुम लोग, जाकर तो अपनी जिम्मेदारी समझा करो, उनकी मदद किया करो। माँ अब ठीक कहती हैं। अजय भैया,
चलो पिताजी के हाल चाल पूछ कर आते हैं। मैं आपको अकेला नहीं रहने दूंगी।